समझौते के तहत बड़ी टेक कंपनियां खेत से थाली तक की सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह सेवाएं किसान अपने घर पर पा सकेंगे। इसके साथ ही टेक कंपनियों को यह छूट रहेगी कि वो अपने अपने तकनीक या उत्पाद सीधे सरकार को बेच सकते हैं या फिर सीधे किसानों को भी बेच पाएंगे। भारतीय कृषि को आधुनिक रूप देकर इसे उद्योग के तौर पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए भारत सरकार विश्व के टॉप टेक कंपनियों से बातचीत कर रही है। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार ने नया समझौता किया है। समझौते के तहत बड़ी टेक कंपनियां खेत से थाली तक की सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। यह सेवाएं किसान अपने घर पर पा सकेंगे। इसके साथ टेक कंपनियां को यह छूट रहेगी कि वो अपनी तकनीक और उत्पाद सीधे सरकार को बेच सकते हैं या फिर सीधे किसान को भी बेच पाएंगे। भारतीय कृषि को आधुनिक रूप देकर इसे उद्योगों के तौर पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए भारत सरकार विश्व के टॉप टेक कंपनियों से बातचीत कर रही है। इसके तहत सरकार ने किसानों का डेटा अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को सिमिटेड जैसे दिग्गज कंपनियों के साथ शेयर करेगी। केंद्र सरकार किसानों की आय को दुगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सरकार का मानना है कि फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता और जोत भूमि जैसी सूचनाओं को एकत्रित करके बनाए गए ऐप के माध्यम से किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार के लिए चुनौती भी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका की 3 बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ स्थानीय व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सरकार इन कंपनियों के साथ भारतीय कृषि के संबंधित आंकड़ों को साझा करेगी। सभी आंकड़े 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद वाले आंकड़े होंगे। उचित मूल्य मिले इस दृष्टि से आय आधारित खेती हो इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है, और जिसके तहत किसान सम्मान निधि का पैसा है जो प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, और साथ ही किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसके माध्यम 1,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, और किसानों के लिए 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। किसान छोटे किसान हैं जिनका समूह बने और ताकि वो बड़ी जोत होगी उससे उनका उत्पादन जो प्रोडक्ट होगा उससे खुद प्रोसेसिंग करेगा, खुद पैकेजिंग करेगा और खुद रेट तय करेगा। ये इतने पर सफल नहीं हो पाया, तो आने वाले समय के अंदर चाहे MSP की रेट का पूरा करने का विषय हो, नई टेक्नोलॉजी के साथ में किसान जुड़े, नई टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से नया सीड उसको मिले और जिसकी हाई वैल्यू हो, और जैसा कि मिलेट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाए, और इन सारी चीज़ों को लेकर जैसा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा पूरे विश्व में, जिसका भारत नेतृत्व करेगा, जिसका शुभारंभ भी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारत के अंदर प्रारंभ हो चुका है, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार ऐसे उत्पादनों का अधिक से अधिक लोग सेवन करेंगे जिससे कि कुपोषण जैसी बीमारी उससे भी हमें निजात मिलेगी। तो ये सारा और नई टेक्नोलॉजी हो, नए हमारे उपकरण हो जिससे किसान जल्दी फसल को काट कर दूसरी स्वयं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र किसानों की आय और पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक कृषि भूमि की रूपरेखा, फसल अनुमान, मिट्टी की गिरावट और मौसम के पैटर्न का डाटा एकत्रित किया जाएगा। वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया के पूर्व निदेशक के अनुसार एक बार आपके पास डेटा होने के बाद आप जमीनी हकीकत से जुड़ सकते हैं और अपने अनुमान के सुधार कर सकते हैं, सूचित निर्णय ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किन क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है।